दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल निशिका गोट फार्म पर, जहां पर आपको मिलती है बिल्कुल प्योर और सटीक जानकारी। आज मैं आपको बताऊंगी यदि बकरी को दस्त लग जाए तो हमें क्या क्या घरेलू उपचार करने चाहिए, क्योंकि बकरी को यदि बार बार दस्त लग जाते हैं तो बकरी डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है, यानी बकरी में पानी की कमी हो जाती है और बकरी की मौत भी हो सकती है। सबसे पहले दस्त होता क्या है? बकरी की मेंगनी प्रॉपर शेप यानी प्रॉपर साइज में न होकर यदि पतले तरल रूप में है या पेट में जमा कचरा तरल रूप में है तो समझ लीजिए बकरी को दस्त हो गया है। दस्त को रोकने के लिए क्या क्या घरेलू उपचार करने चाहिए जिससे दस्त में तुरंत आराम मिल जाए? तो पहला घरेलू उपचार आपको कौन सा करना है, एक गिलास पानी में एक चम्मच चाय पत्ती चाय की तरह उबाल लेना है। जब तक गिलास पानी उबल कर आधा न रह जाए तब तक उबालना है। फिर इसको ठंडा कर लेना है तथा इसको बिना छाने बकरी को पिला दीजिए, दस्त में तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके अलावा आप जामुन के पत्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि जामुन के पत्तों में एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जिससे दस्त में तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके अलावा सभी के घर में छाछ होता है, एक गिलास छाछ लेना है। इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और बकरी को पिला देना है, दस्त में तुरंत आराम मिल जाएगा। इन सभी उपायों से यदि दस्त में आराम नहीं मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल जाचा परखा घरेलू उपाय जिससे दस्त में आराम होगा ही होगा। आपको बबूल की छाल का काढ़ा तैयार करना है। इसमें आप बबूल की छाल ले लीजिए, छाल को कूटकर आधा लीटर पानी में उबाल लीजिए, जिसमें एक चम्मच जीरा कूटकर डाल देना है तथा साथ में एक चम्मच हल्दी पाउडर डालना है तथा तब तक उबालना है जब तक पानी उबलकर एक चौथाई भाग न रह जाए। इसको ठंडा करके बकरी को पिला दीजिए, निश्चित ही बकरी के दस्तों में आराम मिल जाएगा। दोस्तों ये सभी तो हैं घरेलू नुस्खे। इन सभी के अलावा आप मार्केट से नेबलोन पाउडर ले आए जो एंटी डायरियल होता है, यानी दस्त में पानी को कम करके मेंगनी में बदलने का काम करता है। नेबलोन पाउडर को आप 10 से 15 ग्राम सुबह शाम बकरी को दे दीजिए, बकरी को तुरंत आराम मिल जाएगा। दोस्तों बकरी के दस्त के उपाय तो मैंने आपको बता दिए, अब बकरी को दस्त किस कारण से लगते हैं यह जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि बकरी दस्त का कारण आप जान जाएंगे तो इलाज भी आसानी से कर पाएंगे। बकरियों में दस्त के मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला, या तो बकरी कुछ अटपटा खा जाए या कुछ सड़ा गला खा जाए, या बकरी के भोजन में अचानक कुछ बदलाव कर दिया जाए, या रात के बच्चे बासी चावल को डाल दिया जाए, तो इससे बकरी को दस्त लगने लग जाते हैं। आपको करना क्या है, बकरी को खड़ा करके बकरी के पेट को यानी रूमन को दोनों हाथों से थपथपाना है। थपथपाते समय यदि बकरी के पेट से डब डब की आवाज आती है तो बकरी के पेट में पानी भर गया है, यह समस्या अपच के कारण होती है, या ज्यादा अनाज खाने से भी अपच हो सकता है। अपच से ही बकरी को दस्त लगने लग जाते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें दस्त को रोकना नहीं चाहिए। कई किसान क्या करते हैं, दस्त का दवा दे देते हैं जिसमें पेट में बना जहर अंदर ही रह जाता है तथा बकरी की मौत भी हो सकती है। पेट में पानी भरने पर बकरी गर्दन नीचे करके बिल्कुल सुस्त खड़ी हो जाती है तथा खाना पीना बंद कर देती है। इस समस्या में बकरी को प्यास ज्यादा लगती है और बार बार पानी पीने को चाहती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले बकरी के पेट में पानी का उपचार करना है तथा बाद में दस्त का दवा देना है। पेट के पानी में मीठा सोडा बहुत ही कारगर उपाय है। इसमें बकरी को 12 से 14 घंटे तक कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, बल्कि मीठा सोडा 1 से 1.5 चम्मच बिल्कुल सूखा यानी मीठे सोडे में कुछ भी नहीं मिलाना है। 1 से 1.5 चम्मच दिन में 4 बार देना है। 12 से 14 घंटे बाद बकरी को सुपाच्य भोजन देना चाहिए, जैसे लौंग पत्ती या चोकर देना चाहिए तथा बकरी को 2 दिन कम ही खिलाना चाहिए। बकरी के पेट का पानी ठीक होने पर दस्त में भी आराम मिल जाएगा। यदि थोड़ा बहुत दस्त है तो मेरे द्वारा बताए घरेलू उपचार आप काम में ले सकते हैं। दूसरा कारण,
यदि बकरी के दस्त में खून आ रहे हैं या मेंगनी में ताते बन रहे हैं तो आपकी बकरी के पेट में परजीवी घुस गया है। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकता है या किसी परजीवी का भी हो सकता है। तो हमें बकरी के दस्त को पहचानना बहुत जरूरी है। बकरी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले डिवार्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए। समझदार किसान इन्फेक्शन में सबसे पहले डिवार्मिंग करवाते हैं तथा बाद में दस्त की दवा देनी चाहिए। फिर भी दस्त में आराम नहीं मिल रहा है यानी समस्या गंभीर है तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं निकालना चाहिए। डिवार्मिंग में आप नील जान दवा का उपयोग कर सकते हैं। नील जान दवा से लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरियल मर जाते हैं। ध्यान रहे, गाभिन बकरी को आप नील जान दवा ना दें बल्कि नज़दीकी पशु चिकित्सक से आप सलाह लें। एक और कारण जो दस्त का नहीं है बल्कि दिखता दस्त जैसा ही है, इसमें मेंगनी प्रॉपर शेप में न होकर गाय या भैंस के गोबर जैसी दिखाई देती है। इसमें खाना सही से नहीं पच रहा है, इसके लिए आप लीवर टॉनिक का उपयोग करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जागरूक किसान बने और समझदार किसान बने, ना कि बकरी पालन में एक लूजर। धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिए।